अरे बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, तो यहीं सुनिए ना। अरे सुनेंगे, सुनिए तो सर। इन्होंने डायरेक्ट लाइन ली हुई है छत से, वो भी कटिया डालकर। डायरेक्ट लाइन, वो भी कटिया डालकर। या अल्लाह, खुदा गवाह है, हमें नहीं पता कि ये तार किसने जोड़ा। हाँ मियां, जरूर जरूर किसी की चाल है। देखिए, हमने लाल तार अपने जीवन में नहीं देखी, ये कहाँ से आई पता नहीं। छी छी छी, नवाबों के खानदान के होकर बिजली चोरी, देखिए जरा इनको। अरे सर, ये खानदानी चोर हैं, बने नवाबी हैं, यही बिजली चोरी कर रहे थे। हम कोई चोरी वोरी नहीं कर रहे थे। सर सर सर, सर इन्होंने भी लाइन चोरी करी है, ये देखिए सबूत आपके सामने है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ईमानदारी की कसम हम बहुत सख्त हैं बेईमानों के लिए। जनाब, हमारी इन मासूम आंखों में देखिए, क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? हमारा मतलब है कि ये जरूर मिश्रा जी की चाल है, इन्होंने ही हमारे घर में ये लाल तार डाली है। सर, अब बोलो। सर, इसकी बातों का भरोसा मत कीजिएगा, ये कोयल की शक्ल में कौवा है। अरे लखनऊ में आपको हम जैसा सत्यवादी नहीं मिलेगा। झूठ हम बोलते नहीं, और सच ये है कि बिजली चोरी मिर्जा ने की है। जुबान खींच लेंगे हम आपकी। अच्छा, बीवी के बगल में खड़े होके बड़ा मर्द बन रहे हो। अरे मर्द हो तो आगे आओ। आइए। आओ ना। आ गए। आइए ना। खड़े हैं। भी खड़े हैं। आइए। रोकिए। रोकिए हमें। आइए ना। ईमानदारी की कसम, तुम दोनों खून के आंसू रोगे, खून के। ये 2 लाख रुपए का चालान, अब इसको तुम लोग दोपहर तक भरो, नहीं तो जेल जाओ तुम दोनों। ये लो। ये मिर्जा को दे दीजिए। मिर्जा को। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी। दोरी की कसम, इन दोनों की बिजली काट। फस गए फस गए फस गए रे, फस गई रे जान मेरी, फस गई रे जान मेरी, फस गई जान लफड़े में, फस गई जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। लाइट तो वापस आ जाएगी, लेकिन गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। और ऊपर से इन पापाओं ने मोहल्ले में नाक कटवा दी हमारी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचे, अब तो लगता है बुरखा ही खरीदना पड़ेगा। इंटरनेट पर लिखा है कि बिजली चोरी करने पे 2 साल की जेल। अरे वो मजा आएगा, पापा से जेल मिलने जाएंगे। वैसे भी हमने कभी जेल नहीं देखी अंदर से। इना, शर्म नहीं आती आपको? अपने अब्बू जान के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं? अरे अम्मी जान, अभी तो हम बोल रहे हैं, बहुत जल्द मोहल्ला बोलेगा और फिर पूरा लखनऊ। हमें तो डर लग रहा है कि कोई हमारे हाथ में ये ना लिख दे कि हमारा बाप बिजली चोर है। इंटरनेट पर लिखा है कि पापा को जेल होके रहेगी, होके रहेगी। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अरे तुम हमारी औलाद हो या इंटरनेट की? हम बता रहे हैं ना, किसी को जेल वेल नहीं होगी। चलो भागो यहाँ से। आप दोनों भी जाइए। इंटरनेट पर लिखा है कि अगर मम्मी गुस्से में आए तो भागो। जीजी और बाजी, जा रहे हम बस।
अब हमसे नहीं हो पाएगा। अरे पारो, ऐसे कैसे जा रही हो? अभी काम कहाँ हुआ है? अरे जिस घर में बिजली नहीं है हम वहाँ काम नहीं कर सकते। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से हमने सुना है कि कम रोशनी में काम करने से आंखें कमजोर हो जाती हैं, इसलिए हम तो जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। हाँ अरे पारो सुनिए तो। भाभी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगी? कुछ अच्छा बोलने की उम्मीद तो तुमसे कर भी नहीं सकते। जब भी मुंह खोलोगी कुछ बुराई बोलोगी, कह दो। मिश्रा भाईजान के चक्कर में हमारे शोहर भी बिगड़ गए हैं। लो फिर और सुन लो, ये तो वही बात हो गई। अरे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे इनके चक्कर में हमारे ये बिगड़ रहे हो। और हमने सुना है कि कुछ नवाबों के चक्कर में ही बड़ी बड़ी रियासतें भी डूब गई हैं। बेगम, ये क्या गजब डा रही हैं आप? देखिए आपने नियम की किताब नहीं पढ़ी क्या? उसके हिसाब से हम बिजली वाला चूल्हा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ना ना, मिश्रा जी को पता लग गया तो? मियां आप भी ना कमाल करते हैं, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? आप जैसा चालाक, तेज तर्रार और शातिर दिमाग मिश्रा भाईजान के पास थोड़ी ना है। बेगम हमारे हुनर को पहचानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए हम दवा के बिजली इस्तेमाल करेंगे, मिश्रा जी बिजली बचाएंगे और बिल होगा आधा आधा। वही तो भी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम चलते हैं। मिया सुनिए, ये लीजिए। ये किस लिए बेगम? ये पानी गर्म कीजिए और अच्छे से नहाइए। हाँ बहुत खूब बेगम, अच्छी तरकीब निकाली है आपने बिजली खर्च करने की। लेकिन बेगम वो क्या है कि गर्मी में गर्म पानी से हम कैसे नहाएंगे? ओफो मियां, अब हमारे पास पानी गर्म करने की रॉड है तो इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। लीजिए ना, मिश्रा भाईजान को क्या पता चलेगा। क्या चल रहा है? बस मियां नहाने की तैयारी हो रही है, लेकिन नियम के हिसाब से हम रॉड तो चला नहीं सकते ना, इसलिए ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। देखिए मियां हम तो नियम और कायदे पूरे मानते हैं। हाँ भाई यही तो तुम्हारी खास बात है, तुम नियम पूरे मानते हो। तो सुनो, वो जो इलेक्ट्रिक रॉड लगा रखी है ना पानी गर्म करने के लिए, उसको बंद कर दो। मिया? सकीना भाभी से कह दो कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना न बनाए। और सुनो 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 तो, और ये भी कह देना कि रमेश प्रसाद मिश्रा भाई साहब तुमसे तेज तर्रार शातिर और चालाक दिमाग रखते हैं, किसी तरह की गलत फहमी में न रहें। मम्मिया क्या इन्होंने दीवार में छेद कर दिया तो सब कुछ इन्हें सुनाई और दिखाई पड़ रहा है? मम्मिया देखिए ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा आप तुक्के मत मारिए। तुक्का नहीं मिर्जा, हम मुक्का मारते हैं सीधे मुंह पे। सुनो
हमारे भी प्यादे चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। पापा दादी गर्मी में हीटर जला रही हैं। अरे सुनो 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 मिर्जा, अम्मी जान से कह दो हीटर बंद कर दे, सर्दी अभी दूर है। मुझे मामिया ये बात आपको कैसे पता चली? अबू उल्टा चोर हवलदार को डांट रहा है। बेटा जो जिसे डांट रहा है डांटने दीजिए ना, उसमें हम क्या करें? अरे अब्बू हम ये कह रहे हैं कि दादाजी रॉड के सामने कपड़े सुखा रहे हैं। सच्ची? हाँ मियां, नियम और कायदे मानने वाले मिश्रा जी, अब हमें सिखाने से पहले आप ये तो समझ लेते कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दिन के उजालों में कपड़े नहीं बदला करते। मतलब ये मियां कि बाबूजी से कहिए कि कपड़े धूप में सुखाएं, ना कि इलेक्ट्रिक रॉड पर। पकड़ी पकड़ी, प्रनाद मिश्रा जी हमारे हाथ से बचेंगे नहीं। पकड़ी शांति, तुम हमारा हाथ पकड़ लो। अरे पकड़ लो शांति, जा रहा है लड़ने इनसे। अरे बड़ी भी, ये मैच अब ड्रॉ होने वाला है हमें मालूम है, हम जा रहे हैं यहाँ से। आप सही कह रहे हैं मास्टर जी, हम भी जा रहे हैं यहाँ से। ला हॉल विला कुवत। उनके आंसू रुला देंगे मिर्जा, हम भी आपको बहुत कुछ रुला देंगे। कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे और ना ही हवेली में रहने लायक। जाके अपना इलाज कराइए, वरना हम आपका मीटर और बत्ती गुल कर देंगे। चाटा मारेंगे चाटा, हाथ से तोड़ देंगे। तुमको देख लेंगे, हमारा बहुत देखे आपके जैसे। बेगम रुकिए तो, अब हम बिजली खर्च करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे। बेगम रुकिए तो, हम मसल देंगे, हम मसल, हाँ मसल देंगे मसल। देखा आपने अम्मी जान, देखा आपने? उस कमल के लाहौल बिलाकुवत, आप लोगों ने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? हाँ? अंधेरे में पढ़ाई करके आपको अपनी आंखें खराब करनी है क्या? लाहौल बिलाकुवत, सारी की सारी बचत यही हो रही है, इसी घर में। अब से कोई बचत नहीं होगी। जलाइए सारी लाइटें, जलाइए सब जलाइए। लेकिन अबू नियम की किताब के हिसाब से तो नियम 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 दीजिए, बचत करे हम और वो मिश्रा जी उठाए फायदा। ना रहेगा ये नियम, ना रहेगा कायदा। जैसे इसको बाहर फेंका ना, वैसे ही एक दिन मिर्जा को इस हवेली से बाहर फेंक देंगे। बहुत करारा जवाब देंगे। अगर वो एक बत्ती जलाता है ना तो दो जलाओ, अगर वो दो जलाता है तो तुम चार जलाओ, अगर वो चार जलाता है तो तुम आठ जलाओ, और अगर वो आठ जलाता है। रुक तो सही, एक बार देख तो ले, हमारे घर में इतनी लाइट नहीं है। तो कुछ और जलाइए, लेकिन जलाइए जरूर, बिजली जरूर खर्च करिए। अरे जब आधा बिल देना है तो बिजली पूरी खर्च होनी चाहिए। बराबर क्या, बराबर से ज्यादा बिजली खर्च कीजिए और तबीयत से कीजिए। लो फिर और सुन लो, अब से कूलर पंखा बिजली हीटर सब चीजें चालू करके छोड़ देंगे। अरे जब बिल आधा देना ही है तो हम ही क्यों कम खर्च करें बिजली।
गुड्डू आदी, अरे बिजली बंद करो, इनाम बंद करिए, बंद करिए। पांच लाख का बिल देख के मिश्रा मिल जाए, मिर्गी आ जाए। अबे हम तो कह रहे हैं कुछ लौंडे बुला लो इनको कंधा देने के लिए। हम तो तैयार है चच्चू, अरे खबर तो आवे। अभी ये जिंदा राग इसकी आत्मा है। अबे इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, तैयार हो जाओ उसको झेलने के लिए। जाओ 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 जाओ। पप्पू मिया, ये सब क्या हो रहा है? भैया समाज सेवा चल रही है, मुफ्त की बिजली बांट रहे सबको। अच्छा पप्पू मिया, अमा मिया हमें आपसे कुछ बात करनी है, आइए ना। आराम से करो। अबे काहे आप हद काटे हो, बहुत बिजली है। अरे बहन जी उधर से आओ, अरे आगे से आओ, वहाँ चले। अपने भाई मिश्रा जी कैसे आ गए यहाँ? आओ बिट्टू भैया, अच्छी बात है। और जो कर रहे हो ये भी अच्छा है, लेकिन हमारे पैसे दे दो। पैसे? ऐसे कैसे पैसे मांग रहे हो? अरे किस बात के पैसे भैया? किस बात के? मियां लगता है आप भूल गए। देखिए उसी बात के पैसे जो बिजली आपने हमारे घर से ली थी ना, 8 रुपए यूनिट के हिसाब से, तो देखिए मियाँ आपके हुए 2,80,000 रुपए, वो दे दीजिए। हमका लग रहा मिश्रा जी मीटर खराब है कि हम इतनी बत्ती तो जलाइबे नहीं बहन, इतना बिल कैसे आ गया यार? अम्मा मियाँ हमें क्या मालूम कि इतना बिल कैसे आ गया। देखिए जो बिजली आपने खर्च की है उसके पैसे तो देने ही होंगे। अच्छा, और हम कैसे मान लें कि इतनी बिजली हमने खर्चा की है? मिश्रा जी ने बिट्टू को बेची है बिजली, हाँ, उनसे वसूलो जाके पैसे। क्या पप्पू ने मिर्जा से कनेक्शन ले रखा है? काहे का कनेक्शन? अबे गांव से आए हो काबे, तुमका ये लाइन नहीं दिखाई दे रही? पप्पू फिरिन बिजली बांटे पड़ा है, मिर्जे तो दीस है। क्या मिश्रा जी ने भी बिजली दी है? मतलब ये हमारे घर की बिजली है जो बट रही है? अच्छा अबे हटाओ, लाहौल मिला को हमारी बिजली क्या कर रहे हो? हमारी बिजली दिवाली मनाई जा रही, भाग हमसे हसियारी, बिजली बेच रहे हो बाहर, हमसे मक्कारी, आप जो खुद बेच रहे हैं उसका क्या? मिर्जा गलती अकेले की हमारी नहीं है, तुमने भी तो गलती करी है, अब तो बिल भरना ही पड़ेगा ना। और जो बेची गई बिजली का बिल है वो भरेंगे पप्पू और बिट्टू। अरे तो बुलाते हैं ना पप्पू मियाँ को। पप्पू मियाँ? अच्छा हम अकेले देंगे? ये मिश्रा ने जो बिट्टू चच्चू को बांट रखी है बिजली उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा बिजली इन्होंने इस्तेमाल की है। ए पप्पू ज्यादा चकड़ाई ना करना, तुमने ज्यादा किया है। सारी लड़कियां आपके काउंटर पर चार्ज कर रही थी अपना मोबाइल फोन, समझे? अबे ज्यादा दिमाग ना लगाया करो, हम कह रहे तुमने ज्यादा बांटी है। खाली दो लौंडे खड़े थे काउंटर पे बस, और कोई भीड़ नहीं थी। अबे दो लौंडे होने से क्या होता, लिए तो इतना सामान थे। अबे हम कह रहे हमसे बकवास ना करना, नहीं फिर कोर्ट तक घसीटेंगे तुमको। ऐसा है मिश्रा जी, ऐसे तो ये मन ही है ना, अब इनका हम घसीटा कोर्ट में, जो जज साहब फैसला करेंगे ना वो हिसाब से तुम दोनों जन का आना पाई से हिसाब हम कर दे। ठीक है? ठीक है। ऐसा है बे,
तू बहुत बड़ा बेईमान है। अच्छा चलो कोर्ट में बताओगे, हम देख लेंगे कोर्ट में। अरे ये क्या किया आपने, हमारा उल्लू बना गए वो लोग हमें। कोर्ट में केस कितने साल तक चलता है इस बात का इल्म है आपको? जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हमारे घर की बिजली कटी रहेगी। अरे तो ये सब उस समय नहीं बोल पा रहे थे, अब उनके जाने के बाद क्यों लाठी पीट रहे हो? सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगा। वैसे मलियाबाद में हमारी अम्मी जान के खालू के दशहरी आम के बाग हुआ करते थे। बचपन में हम आमों में खेल के बड़े हुए। अब आप क्या जाने आम की कशिश। मिर्जा तुम आमों में खेले हो, हमने आमों में गोते लगाए। गांव में हमारी पुरानी हवेली है, उसमें आम भरे पड़े रहते थे। छत पर आम पापड़ सूखते थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। मजाक मजाक आप अच्छा कर लेते हैं भैया। अच्छा भैया ये आम कैसे दिए? अरे नहीं दिए भाई आम। तुम लोगों को तो इतने बड़े बड़े बगीचे हैं मलिहाबाद में, हैं? आम में तो खेलते हो, तो वही आम खा लो ना मन में। अरे भैया तुम तो नाराज हो गए। अच्छा एक एक किलो तौल दो। माल कब तक आ जाएगा? शाम तक। भैया ये सड़ा हुआ आम क्यों चढ़ा रहे हो? मेरा माल टाइम से पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो खून की नदियां बहा देंगे। आदमी भेज रहा हूं मैं, समझे? मम्मी ये तो बहुत खतरनाक आदमी लगता है। मिर्जा इनका ऐसा कौन सा माल आ रहा है जिसके लिए इनको खून की नदियां बहानी पड़ रही है? नहीं कुछ आम की पेटी आ रही है ना, इसलिए। तो उसके लिए इतना खून खराबा। झोला खोलो। सुनो जी, आते रहना। चलो मिर्जा। हाँ सेठ जी, अरे आपका काम हो जाएगा सेठ जी। अरे आप ही के खादी में सेठ जी। एक मिनट सेठ जी, अभी बात करते हैं। फटाफट खीरे रखवाओ। सेठ जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सुनो चस्का सेठ तो आदमी भेज रहा है, माल रेडी करके गाड़ी की डिग्गी में डाल दे। और सुनो कोडवर्ड मत भूलना, आप मीठे हैं और आप लंगड़े हैं। बिट्टू भैया आदाब। पप्पू पांडे जी नमस्कार। और बेटा कांटा अम्मी ठीक है? बहुत बढ़िया बिट्टू भैया। और बिट्टू पप्पू क्या चल रहा? बिट्टू पप्पू अबे आज जवाने बाद कोई सीधे बिट्टू कहीं से ना भैया ना दद्दू। जाज बुस के लौंडे हो का बे? का नाम है तुम्हारे बाप का? राम खिलावन। अबे राम खिलावन के लौंडे, तुम्हारे बाप हमको पप्पू भैया कहते हैं और इनको बिट्टू चच्चू, समझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोगों के सीधे नाम ले रहे हो? ऐसा कौन सा काम कर दिए का कहीं किला फतेह किए हो जो तुम्हारी इज्जत इज्जत करते फिरे? अरे नेता होता है जिसके पीछे 10-5 गाड़ियों का काफिला होता है, बंदूकधारी होते हैं, अरे लोगों के काम करवाते हैं। तुम जैसे लोग नहीं जो बस खाली बैठ के चप्पल चटकाते रहें। अरे कुछ काम वाम है कि बस ऐसे ही? तेरी राम खिलावन भैया, राम खिलावन का लड़का एकदम पागल है। गवाने आज इनका छीट डालते। हम समझा देंगे। चलो भाई तुम लोगों का भगाए के लिए इनका कोई का बुलाना पड़ेगा। निकलो चलो भाई, बढ़ो सब लोग बढ़ो। चलो भाई चल भाई चल, निकल निकल। चच्चू
वैसे लौंडा जाने अनजाने में बात सही कह गया। जब तक हम लोगों के पास लोगों का हुजूम और गाड़ियों का काफिला नहीं होगा, तब तक हम लोग मोहल्ले के ही नेता माने जाएंगे। जबकि हमको और आपको बनना है जिले का नेता। अबे ऐसा है, आदमी तो पूर्वांचल से हम 150 बुला दी, लेकिन उनका खिलैबे काबे। दो साल पहले ये रोड बनी रहे, तब ठेकेदार 60% कमीशन दीस रहे, वही चल रहा अभी तक। अब कोई नया काम आवे तो कुछ खेल बनावा जाए। ऐसा है, जब तक कोई काम नहीं आ रहा, तब तक जो तेरा है वो मेरा है। मतलब मांग मांग कार चलाई जाए, का होई? ये कार दोनों परिवारों की है। इसलिए हमने बीच की दीवार हटा दी है, ताकि कार आधी आधी खड़ी हो सके। लेकिन मियां, अरे वाह जीजी, क्या गाड़ी है! हमें तो पहले ही पता था कि मोहल्ले में ये कमाल सिर्फ आप ही कर सकती हैं। जीजी, हम जल्दी से ना सेल्फी ले लेते हैं। क्या कार है, वाह भाई! जहां तक मुझे पता है, ऐसी कार लखनऊ में सिर्फ 2-4 ही हैं। अम्मा, हम बताएं, घंटा घर पे हम गए थे पिक्चर की शूटिंग देखने, वहां पे उसका हीरो ऐसी कार में आया था। अब समझो, हमको भीड़ में धक्का मुक्की करके जाना पड़ा। हमको गजब की कार है यार। दुरक अवेल, हवेली के दोनों परिवारों को इस कार के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। शांति भाभी, हम क्या कह रहे थे कि हमको भी कभी कभार इसमें लिफ्ट दे दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया, समझिए आप ही की कार है। अरे हमने तो मिश्रा जी को इतना मना किया था कि मत लाओ अभी कार, लेकिन ये ना हमारी सुनते कहाँ है। अरे बस जो करना है वो करना है ना मिश्रा जी? हाँ हाँ बीबी सी, हमें ही कार खरीदने की तलब लगी हुई थी। दिन रात यही सोचते रहते थे कि बस किसी तरह कार आ जाए तो हमारे जीवन में रंग भर जाएं। वेल, शांति भाभी, सकीना भाभी, इस कार की खुशी में कम से कम आपके सौजन्य से शीर कोरमा और काला जाम तो बनता है, क्यों? हाँ कूड़े मियाँ, क्यों नहीं, आइए ना दुकान पे, आपको खिलाते हैं काला जाम। ठीक है, देखिए मिठाई के साथ साथ आपका जो पुराना खाता है वो भी तो खत्म करना है ना मियाँ। नहीं नहीं, हम तेरे ही के लड्डू में ही खुश रहेंगे। अबे पप्पू, जो हमका दिखाई पड़ रहा वही तुमका दिखाई पड़ रहा। अबे लाओ हमका चूहो मार दवाई खिला दो, हमारा काम खत्म करो। चच्चू, इतनी जल्दी मरने की जरूरत नहीं है, ये कार अपनी ही है, हम ही लोग घूमेंगे इससे। अरे मिर्जा जी, मिश्रा जी, आपको दिल से बधाई गाड़ी की। अरे बिट्टू भैया, सब आपकी ही कृपा है। अरे चलो चलो चलो, क्यों ना दोनों परिवारों की एक साथ सेल्फी हो जाए। अबे आजी, तुम तो बिल्कुल मुंह की बात छीन ली ना यार, चलो आओ एक सेल्फी हो जाए। गलती हो गई, गलती हो गई। अभी तो मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़े हैं, अगर मेरा माल नहीं मिला ना तो और पता नहीं क्या क्या मैं फाड़ूंगा। खून की नदियां बहादूंगा मैं, खून की नदियां। सकीना, मिर्जा भाईजान। जी भाभी, आज हमारी कार आने की खुशी में हमने आप लोगों की दावत रखी है, और पता है हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, साथ में खीर भी। वाह भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मानो कार आपके ही घर आई हो। हमने भी कार आने की खुशी में लजीज पकवान बनाया है, इसलिए दावत तो आज हमारे घर ही होगी। लो फिर और सुन लो,
मतलब हमने जो सुबह से एक टांग पे खड़े होकर इतनी मेहनत की है वो सब बर्बाद। हमने अपनी नाजुक सी जान खपाकर इतना लजीज खाना बनाया है वो सब जाया कर दे। सगीना हमारी बात मान लो ना। हम नहीं मानेंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम सुन ही नहीं रहे हैं। अरे खाना हमारी तरफ ही होगा, हम कह रहे हैं हमारी तरफ होगा, हमने शीर बनाई है। ये कोई बात नहीं हुई, बस खाना यहाँ होगा। हमने कह क्या फालतू लड़ाई कर रही हो तुम दोनों? एक काम करो, सारा खाना आंगन में लगा दो, दोनों परिवार मिल बांट के खाएंगे, क्यों बड़ी भी? और नहीं तो क्या। अरे भाई जब हवेली आधी आधी बट गई, कार भी आधी आधी बट रही है, तो क्यों ना हम आज खाना भी यहाँ आधा आधा बांट कर खाएं? अम्मी जान प्लीज, प्लीज अम्मी जान प्लीज, मान जाइए ना प्लीज अम्मी जान। यस! एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के शुरू कीजिए, कहिए पड़े तो है तैयार। हुआ यूं कि जब हम कार लेने गए तो कार वाला हमें पहचान गया और कहने लगा कि बचपन से हम दोनों एक साथ एक ही हवेली में रहे हैं, तो अलग अलग कार से जाते हुए बहुत बुरा लगेगा ना। और जब अलग अलग कार से बाहर जाएंगे तो एक दूसरे को देख के जलन होगी, तो इसलिए एक कार ले लीजिए और मिल बांट कर चलाइए। अच्छा मियाँ, हम समझ गए। जैसे एक हवेली में दो परिवार मिलकर मस्ती करते हैं, ऐसे ही दो परिवार मिलकर एक कार से जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। हाँ। लेकिन मिश्रा जी, हमने तो आपसे लाल रंग की कार लाने के लिए कहा था, तो ये आप सफेद क्यों ले आए? मियाँ एक बात बताइए, हमने आपसे नीले रंग की गाड़ी लाने के लिए कहा था ना, तो फिर आप सफेद क्यों लेकर आए? बेगम, पहले शांति भाभी ने सवाल किया ना, तो पहले मिश्रा जी जवाब देंगे। मिश्रा जी बताएंगे कि उन्होंने लाल कार क्यों नहीं ली। अरे भगवान, लाल रंग में क्या रखा है? अरे वो सफेद रंग तो अमीरों की पहचान है। देखा नहीं था जब हमारी कार आई थी तो मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कार बेचने का? शांति भाभी, शांति भाभी, देखिए मिश्रा जी इसे बेच के नई कार ही तो लाने वाले हैं। नहीं नहीं, आप चुप रहिए भाईजान। आपने देखा था हमारे बाबूजी इस कार से लिपट कर कैसे भावुक हो गए थे, और मिश्रा जी ने हमको शादी के बाद से लेकर आज पहली बार हमारी पसंद की कोई चीज दी है। अरे ये हमारे लिए कार नहीं है, हमारा प्यार है। ऐसे कैसे बेच सकते हैं हम इसको? हम नहीं बेचेंगे, बता दे रहे हैं आपको। मिया, आज हमें लग रहा है कि आपने ताजमहल बनाकर उसे बेच दिया है। आज अपने अपनी बेगम का बड़ा दिल दुखाया है। ना 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 बेगम, देखिए हम दोनों आप लोगों के लिए तो अलग अलग कार ले रहे हैं, अभी आप ही दोनों तो लड़ रही थी जाने के लिए। अरे हम लड़े मरे, हम कुछ भी करें, लेकिन हम दोनों की जान तो एक ही है और कार भी एक ही रहेगी, क्यों सकीना? बिल्कुल भाभी। देखो ऐसा है, बहुत सुन ली तुम लोगों की पंचायत, कार लेने आए और कार लेकर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ले जाओगे तुम हमारी कार? हाथ लगा कर देखो इसको, हम तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर तोड़ कर ऐसे मरोड़ कर बस यही फेंक देंगे, बता दे रहे हो। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक औरत है, इसको जाने दो, दूसरी पार्टी से बात करता हूँ। तो मिश्रा और मिर्जा, तुम लोगों ने आज कार देने का वायदा किया था है? अरे कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं तुम लोगों के लिए? कमिटमेंट अभी दिखाते हैं तुम्हारा कमिटमेंट, ये देखो, ये लो, ये रहा तुम्हारा कमिटमेंट, ठीक है? अरे और यही खड़े रहना, हिलना मत यहाँ से, अभी बताते हैं तुमको। ठीक है, ये देखिएगा तुमने, और तुमको नहीं छोड़ेंगे, हाँ तुमको छोड़ेंगे नहीं, रुको जरा सा। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम सब लोग मिलकर पहली बार अपनी कार से घूमने जाएंगे। अम्मी, हम सबसे पहले भूल भुलैया चलेंगे। हाँ। ना ना बेटा, देखिए पहले हम जाएंगे अमीनाबाद, उसके बाद सबको कुल्फी खिलाएंगे, उसके बाद
उसके बाद हम लोग बाजार जाएंगे और फिर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, है ना? लो मजलू, गाड़ी स्टार्ट करो। क्या हुआ मजनू? अरे ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे यार ये पप्पू बिट्टू ने तो हमारा कबाड़ा करके रखा हुआ है। मिर्जा फोन लगाओ बिट्टू को, उन्हीं लोगों ने खराब किया वही लोग सही करवाएंगे। यार तो तैयार खड़े घूमने के लिए, वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। हेलो, हाँ बिट्टू मियां, हमारी ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं क्या करके चले गए आप। अबे काहे माठा कर रहे हो यार, हम तो खुदे हवेली के पास रहन, आज हमका गाड़ी चाहिए, बहुत जरूरी काम से जाना है। चाबी लाओ भी तुरंत स्टार्ट करे दे रहे। लगी उसमें लगी। यही नए आदमी के साथ यही होता है, स्टार्ट नहीं हो रही। सचिन तार काटने वाली तकनीक काम आ गई। देखो दोनों कैसे परेशान है। अभी देखो बिट्टू के हाथ जगह लग गया, गाड़ी ना स्टार्ट हो, भना भन स्टार्ट खड़ी है। अरे नहीं भैया, ऐसे हम विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ी दूर चला के दिखाओ, पता चला आगे जाके फिर रुक जाए। अरे अल्लो अल्लो, तुरंत अभी चला के दिखाई दे रहे। चल गई चल गई चल गई। चल नहीं गई मिर्जा, चली गई। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बस कर, हमने जिंदगी में एक ही गलत काम किया। वो कैसे जी? वो तुम पे भरोसा करके। कार से आम तो तुमसे निकाले नहीं गए, और बातें ऐसे करते हो जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो। सेठ जी, हमको लग रहा है उस बुड्ढे को जरूर किसी ने खबर कर दी थी कि कार हम लेने आएंगे, तभी उसने लोटा फेंक कर मारा। क्या निशाना था सेठ जी उसका, उसे तो ओलंपिक में होना चाहिए, देश के बड़े काम आ सकता है। अब चुप कर, किसने बोल रहा है? वो तो देश के काम आ जाएगा, और तुम किसी के काम मत आना। हाँ सेठ जी, आप परेशान मत हो, इस बार एक धांसू प्लान है। सारे के सारे हीरे भी पार कर देंगे और पूरी की पूरी कार भी उड़ा देंगे। अगर बातें करने से होता ना, तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया होता, यहाँ आम नहीं बेच रहा होता। सेठ जी, इस बार सिर्फ एक मौका दीजिए, इस बार या तो कार आएगी या फिर हम। मिया एक बात हमें समझ नहीं आती कि ये कार हमने ली है या इन बिट्टू पप्पू ने। अमा जब से कार खरीदी है तब से एक बार भी कार में बैठ भी नहीं पाए, लेकिन इन बिट्टू पप्पू को जब देखो हमारी कार में घूमते नजर आते हैं। ये जब से कार ली है मिर्जा, 3 बार टैंक फुल करवा चुके हैं और सारा तेल बिट्टू पप्पू ने जला दिया। तब किसी ने सांस नहीं ली कि कार चल रही है तो कैसे चल रही है। आप हमें सुना रहे हैं? हमें क्यों सुना रहे हैं आप मियां? जिसने तेल जलाया उसको जाके सुनाइए ना। वैसे आपने एक बात पे गौर की है कभी? कौन सी बात? कि जब से हमारी कार आई है कैसी चमचमाती हुई नजर आती। अरे वो तो इसलिए क्योंकि हमने पसंद की है। आपकी पसंद पर तो मिट्टी पड़ी है मियां, लेकिन हमने कभी कार पर मिट्टी नहीं पड़ने दी। रोज सुबह शाम हम अपनी कार को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। आपको क्या, आप तो बस चमचमाती हुई कार के साथ सेल्फी लेने आ जाते हैं अपने पूरे खानदान के साथ। बस हो गया, उगल लिया जहर। वही हम कहें कि अभी तक शांत क्यों बैठे हो, अब डकार भी ले लो। हम जहर उगलते? हम? हाँ हाँ तुम। ऐसा है मिर्जा,
कार का काम बांट लेते हैं। हाँ बांट लेते हैं। कार तुम पोछोगे, टायर में हवा हम डलवाएंगे, पेट्रोल तुम डलवाओगे, इंश्योरेंस हम करवाएंगे, और जब भी कभी कार बाहर से आएगी तुम धोगे। वाह मिया वाह, गाड़ी में पेट्रोल हमको है भराना, अपना तो गा दिया, अब सुनिए हमारा तराना। क्या? गाड़ी से जो भी जुड़े काम है वो सब हम आधे आधे करेंगे, आधी आधी साफ करेंगे, आधा आधा पेट्रोल भराएंगे, और इस्तेमाल भी आधी आधी करेंगे। बस हो गया, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, बस ठीक है। आगे के टायर हमारे, पीछे के आपके। और स्टेपनी? अरे वो तो आपकी होगी। हाँ तो बिल्कुल होगी, हमारे हिस्से में है, तो स्टेपनी पीछे तो हमारी है। मेरे लाल पीले, क्या मीटिंग चल रही? और भाई क्या चल रहा है? मियां हम अपनी कार की कटाई कर रहे हैं, आपसे मतलब। अबे हवेली पहले नाश कर चुके हो, अब कार भी सत्य नाश करने में लगे। बेटा भैया जरूरी है कि मोहल्ले में कुछ हो तो उसमें अपनी नाक घुसोड़ोगे जरूर। अबे बिल्कुल टोपा माइसिनो का, कार हम दिलावा है समझो, बिना बिट्टू भैया से पूछे कार आधी पाधी करेगा, अधिकार तुम दोनों का बिल्कुल नहीं है। चलो पप्पू, और नहीं तो क्या, कार पे हम लोग का पूरा अधिकार है। वाह मियां वाह, नीला और सफेद पहन के निकला है याराना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आए बिट्टू भैया, दिमाग आज बहुत खराब है बता रहे हैं, घर से बैठ करके कार में बाहर तक नहीं निकल पाए हैं। अरे जब गाड़ी स्टार्ट करने जाओ स्टार्ट नहीं होती है, और आए दिन तुम लोग कार लेके निकल जाते हो। वैसे कल बाबूजी के हाथों बाल बाल बचे हैं आप मियां, वरना कसम खुदा की अभी तक आप बिस्तर पे लेटे होते हैं। अबे बिल्कुल सही कह रहे हो मिर्जा, कल मिश्रा का बाप तुम लोगों का 302 में जेल भेजेगी, पूरी व्यवस्था कर दी सराय। अगर वो लुटिया हमारी खोपड़ी में पड़ जाती ना तो हम तो टे हो जाए, अब फिर तुम लोग कटते हो जेल। एक चीज सुनो, छोटी छोटी बात में यार नाराज ना हुआ करो, जैसे हम तुम्हारे यहाँ से गाड़ी लेके निकले, बस मोड़ पर दो लोग खड़े रहे, कोई हमसे यार कहे लगे बिट्टू भैया पैर पिरा रहे हैं, हम कहा पैर पिरा रहे हैं, चलो तुमका घर तक छोड़ दे। अब हमारे वोटर हैं यार, हम राजनीतिक आदमी, जब वो गाड़ी में बैठ गए हम कहा चले गए, कहे लगे बस यही बगल में राय बरेली राइट पड़ा छोड़े। राय बरेली पास है क्या? 100 किलोमीटर है बस, केवल बस। मियां बहुत हो गया, आज के बाद अगर आप दोनों हमारी कार के आसपास भी नजर आए ना तो कसम खुदा की उसी गाड़ी में बैठ के चला के उड़ा देंगे आप दोनों को। क्यों नहीं दोगे? चच्चू आपने कभी एहसान फरामोश आदमी देखे? तुम देखे? और नहीं तो क्या, देख लो दो खड़े सामने, जब इनकी बीवियां खोपड़ी चढ़ के तांडव कर रही थी तब हम लोगों ने कितनी मदद की थी, कार दिलवाई थी इनको। तो मदद करने का क्या मतलब है, हमारी नाक में नकेल डाल दोगे? अरे तुम लोगों की वजह से हमें घर में कितनी बातें सुननी। छी कितनी बदबू आ रही है गाड़ी से, ऐसा लग रहा है कोई चूहा मर गया हो। अरे मजनू जरा तुम उतर के देखो गाड़ी में कहां से ये बदबू आ रही है, सकीना तुम भी उतरो, हमारे तो सर में दर्द हो गया। अरे बदबू तो यहां से आ रही भाभी। ये आम सड़ गए, इस घर के लोग भी ना आम फ्रिज में रखे जाते हैं कि गाड़ी की डिग्गी में। देखो भाभी ये मिश्रा भाईजान की वजह से आम सारे सड़ गए। हाँ हाँ आम तो सारे हमारे मिश्रा जी ही खाते हैं, मिर्जा भाईजान तो बस सूंघ के ही रख देते हैं आम। अरे रुको हम खुद देख लेते हैं। जी वो रहे हम, चलो माल उठाते हैं। अबे हाथ पर तोड़ोगे क्या है? जाओ लौंडे बुलाओ। हाँ अकेले जाना सेफ नहीं है। हाँ चलो बस हो गया, बाकी आम हम रास्ते में खाएंगे, बंद कर दो।
अरे सारे आम कहाँ गए? अभी तो फेंके थे। काय आम खा गई। चलो अच्छा है भाभी, किसी के पेट तो पड़ गए। अब क्या करें? बाल्टी देख रहा है, समझ गया क्या करना है। कहाँ फंस गए? मिया, आज आप हमें यहाँ पे क्यों लेके आए आम खाने के लिए? अरे यार, वो दुकान पे मजनू है ना, सारे आम खत्म कर देता, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम दिक्कत हमारे साथ भी है, वो आशिक। वैसे मिया, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? अरे यार, शांति को जाना है अपनी मौसी के यहाँ, कल तो किसी तरह बच गए, आज न जाने क्या होगा। हाँ मिया, पसीना आए तो रुमाल से पोंछना, इतना क्या सोचना? अरे यार, तुमको शायरी की पड़ी हुई है पसीना पोंछना। देखिए मियां, हमारा कहने का मकसद ये है कि जो होगा देखा जाए। मम्मी है, ये क्या गुस्ताखी है? हमने आपकी दुकान से आम नहीं लिए तो क्या आप हमें भी हमारे आम नहीं खाने देंगे? बेटा ये बताओ, पहले आम खाओगे या गोली? चच्चू, ये क्या हो रहा है? जनाब, लगता है आपके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, ऐसे आम हिला हिला के कौन देखता है? अरे बेवकूफों, आम में हीरे हैं। अबे पप्पू, कुछ वो धीम गुस्सा, आम में हीरे हैं। अब समझ में आया माजरा क्या है। सेठ, ये आम तो हमें कार के साथ गिफ्ट में मिले थे। वो हमारे ही आदमी थे और गलती से कार तुम ले आए तो तुम अपना माल समझने लगे। आम मीठे, आम लंगड़ा है। हाँ मियाँ, लंगड़ा भी है। जनाब देखिए, इसमें हमारी क्या गलती है, हमें आप जाने दीजिए ना। जब तक मेरा हीरा वाला आम नहीं मिल जाता ना, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। खून की नदियां मैं बहा दूंगा, चस्का डॉन नाम है मेरा। बाकी के आम कहाँ हैं? कार में, डिक्की में, डिक्की में। अबे पप्पू, बहुत जोर हवेली की तरफ लपको, ये लोग पहुंचे उससे पहले आम छप्पर करने हैं। चलो 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 चलो, जाओ लेके आओ, जाओ। और सुनो, तुम्हारे इस दोस्त को ना तब तक कूटते रहेंगे जब तक लौट नहीं आएगा। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम बहुत तेज दौड़ते हैं, जल्दी लेके आते हैं। नहीं नहीं मियां, देखिए बात दरअसल ये है कि हमें डॉक्टर ने ना सुबह शाम दौड़ने के लिए कहा है। इनको देखिए, इनकी उम्र भी हो चली है, ये कहाँ हमसे तेज दौड़ पाएंगे। ना ना ना, हम इनसे तेज दौड़ लेंगे, हम बस यूं गए और यूं आए। लेकिन तब तक मियां, आप इन्हें थोड़ा बहुत ही मारिएगा। चला जाओ। मिर्जा, जल्दी आना, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। चलो निकलो। इस दुनिया में सबसे कड़वा सच क्या है? अपने देश में पब गेम बैन होना। कोई और जवाब देना चाहेगा? नहीं दादाजी, आप ही बताइए। तो सुनो, इस दुनिया में सबसे कड़वा सच है कि यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। अरे डरो मत बच्चों, देखो सच ही तो है, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी। अच्छा तो दादाजी, फिर आपका जन्म कब हुआ था? हमारा जन्म? अब बेटा ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन अम्मा बताती थी
आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को हुआ था। आषाढ़? दादाजी आषाढ़ मतलब? आषाढ़ मतलब जुलाई का महीना। अच्छा। अरे पूर्णमासी तो आज ही है। अरे वाह दादाजी, इसका मतलब आपका बर्थडे आज है। पार्टी, 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 पार्टी। अरे क्या छत लेकर नीचे आ जाओगे आज? बिल्कुल चुप। हमारे घर में किसी को पता ही नहीं है कि आज हमारा जन्मदिन। तो हम सबको बता देंगे कि दादाजी का आज बर्थडे, फिर सब मिलके पार्टी करेंगे। अरे न, 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 नहीं बच्चों, रुको, अगर तुम हमको सही में प्यार करते हो ना तो किसी को मत बताना कि आज हमारा जन्मदिन है। चलिए ठीक है दादाजी, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि आपका आज बर्थडे है, ठीक है? अरे भगवान, आके लिस्ट बनवा लो क्या क्या लाना है, शाम को बाजार से लौटते वक्त सामान लेते आएंगे। आ रहे हैं। बताओ जरा, तुमको नहीं पता है कि घर में क्या क्या सामान आता है? बेकार की बहस मत लड़ाया करो, किचन में तुम रहती हो कि हम? रहते तो हम ही हैं मिश्रा जी, लेकिन आज तक इस घर में हमारी मर्जी से कोई सामान आया है? अच्छा बताओ क्या नहीं लाए? लो फिर और सुन लो। अरे हमने तुमसे मंगवाई थी खुली हुई बूंदी, लेकर चले आए पैकेट वाली बूंदी। अरे तुमसे मंगवाए थे व्रत के लिए छिली हुई मूंगफली, तो लेकर आए बिना छिली हुई मूंगफली। अरे दाल मंगाओ तो आटा ले आते हो, आटा मंगाओ तो चावल ले आते हो, और क्या क्या बताया अब हम? अरे भगवान, मूंगफली अच्छी तो थी, क्या कमी थी उसमें? वही मूंगफली छीलते छीलते हमारे हाथों की खाल निकल गई, अब और क्या बताएं? अरे बहुत लंबी लिस्ट है मिश्रा जी, बताते बताते शाम हो जाएगी। ठीक है, तुम अपने आप को तकलीफ न दो, हम लिस्ट बना लेंगे। यही ठीक रहेगा, बनाओ। मूंगफली छीलती है तो खाल निकली जा रही बैली। बच्चा पार्टी। हमको पापा को बता देना चाहिए कि आज दादाजी का बर्थडे है। नहीं हाँ। नहीं गलत बात होगी, दादाजी ने हम लोग को मना किया है ना बताने के लिए। अरे काहे की गलत बात, बर्थडे है तो हम बच्चों की पार्टी तो बनती है, क्यों गट्टू? तो चलो पापा को बताते हैं कि आज दादाजी का बर्थडे है। रुको, चलो चलो। पापा बर्थडे। कैसा बर्थडे, किसका बर्थडे? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारा बर्थडे हुआ था। अब अरे पापा, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे स्कूल में ना एक बर्थडे पार्टी है, तो क्या हम लोग जाएं? ठीक है जाओ। सुनो सुनो सुनो, आज तो संडे है, स्कूल बंद है। स्कूल है कि होटल जो बर्थडे मनाने जा रहे हो? वो क्या है ना पापा, स्कूल के पास ना हमारे दोस्त मिलेंगे, फिर वहीं से हम लोग पार्टी के लिए निकल लेंगे। अच्छा ठीक है जाओ। सुनो, नहा करके जाना। हाँ ठीक है, जाओ। सफर बेटा, आपकी शक्ल ही केवल आपके अब्बू जैसी है, बाकी आपके मिजाज तो बिल्कुल अब आपकी बेगम जैसे ही हो गए। क्या हुआ अम्मी जान, ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई आज हमसे? आपके अब्बू जब कभी घर से बाहर जाया करते थे तो वापसी के वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे। कभी अमीनाबाद से कुल्फी, कभी नखास के कबाब, और कभी तो हजरतगंज से पान। न जाने क्यों आज हमें आपके अब्बू की बहुत याद आ रही है। हाँ अम्मी जान, हमें भी वो दिन बहुत याद आते हैं जब भी अब्बू जान मलियाबाद जाते थे, तरह तरह के आम, कच्चे पक्के आम हमारे लिए लाते थे। हमें उनकी एक बात बहुत पसंद थी, हवेली में जब भी कोई जश्न होता था वो बड़े धूमधाम से मनाते थे। वैसे अम्मी जान, अब्बू जान की सालगिरह कब होती है? मतलब अगर हमारे अब्बू जान आज होते ना तो उनकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते। अरे अब्बू जान, वो तो आप आज भी कर सकते हैं। वो अब्बू जान ऊपर से नीचे वापस आ गए? नहीं नहीं अब्बू, आदि के दादाजी का आज बर्थडे, लेकिन उनके घर में किसी को याद ही नहीं है। आज मास्टर जी की सालगिरह है